सुकमा सीआरपीएफ डीआईजी अरविंद राय और पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण द्वारा ही धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेदरी पहुंचकर ही जगरगुंडा और बासागुंडा निर्माणाधीन मार्ग का निरीक्षण किया गया है। साथ ही जगरगुंडा बासागुंडा और मार्ग में बिदितिरी के साथ ही पालूर बागू पर बन रही पुल का भी निरीक्षण किया गया है। बता दें कि जगरगुंडा बासागुंडा मार्ग नक्सल नक्सल समस्याओं के कारण ही विगत कई वर्षों से बंद हो गया है, जहां पर उक्त मार्ग में सड़क निर्माण पूर्ण होने पर बीजापुर में सुकमा तक सीधे ही आवागमन चालू कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण और राहगीरों एवं व्यापारियों को आवागमन में सुविधा होगी।